हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये विजन आईएएस पीटी 365 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 7 हम लेकर आए हैं। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा हमने कल्चर के भी पीटी 365 कवर कर लिया, इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट भी कवर किया है एंड ज्योग्राफी भी कवर किया है, तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उनका सेपरेट मैराथन सीरीज भी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसे एक बार आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर ऑल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करी गई है, जिसका नाम है BESS, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये कौन लेकर आया है, अब देखिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है तो कहाँ से जनरेट होगा, ये सोलर एनर्जी से जनरेट होगा। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको कमीशन किया है, इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने की बात करी गई है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। देखिए जो भी बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए हैं वो छत्तीसगढ़ एरिया के साइड में बहुत ज्यादा लगाए गए हैं। छोटा नागपुर के प्लेट्यू के आसपास की जो जगह है वहां पर जो एनर्जी के सोर्सेज है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वहां पर ही ये स्टोरेज सिस्टम लगाए गए हैं। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूंगी तो BESS ने इसको कमीशन किया है टू स्टोर द एनर्जी यूजिंग द सोलर एनर्जी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी SECI जो है वो किसके अंतर्गत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये काम करता है। और यहाँ पर जो स्कीम है किस चीज के लिए लाई गई है, वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत यहाँ पर लाई गई है, ताकि जो भी एक गैप हो जाता है कहीं हमको उसके लिए फंडिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है या हमको हम स्टोरेज उसका नहीं प्रॉपर कर पाते, उसके तहत यहाँ पर इसे बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की, तो ये कैटेगराइज होता है अंडर द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज। तो कौन सा स्टोरेज है ये कभी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम के तहत ये काम करता है, जो कि यूज करता है डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम को यूज करते हैं। अब दैट कैन बी यूज इंडिपेंडेंट भी हम यूज कर सकते हैं और अलग अलग पार्ट्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, पावर सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर में वेरियस लेवल पर काम आता है, उसके जनरेशन में, उसके ट्रांसमिशन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। अब अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूंगी BESS की, तो अलग अलग टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड बैटरी देखने के लिए मिलेगी जो नॉन फ्लो होती है, जिसमें पेयर ऑफ प्लेट्स इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से। इसमें आपको लेड एसिड बैटरी देखने के लिए मिलेगी, निकल कैडमियम बैटरी हो सकती है, लिथियम आयन बैटरी या सोडियम सल्फर बैटरी। तो इनके नाम थोड़े से ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शन में बहुत अच्छा एक ऑप्शन बनने की संभावना है, UPSC इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ के जाए। लेड एसिड बैटरी पता होना चाहिए, निकिल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी एंड सोडियम सल्फर बैटरी, किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन है ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास LiIon बैटरी, अलग नाम है इसका LiIon बैटरी। तो ये नोबल लॉरेंट जो है हमारे पास को इन्वेंटर ऑफ लिथियम आयन बैटरी के जॉन बैनिस्टर गुड इनफ, वो रिसेंटली पास हुए हैं, उन्होंने इस तरह की बैटरी का आविष्कार किया था। रिचार्जेबल बैटरी है इन विच द लिथियम आयन मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज एंड बैक व्हेन द चार्जिंग। तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखेंगे, एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, आजकल सेल जो आते हैं वो भी रिचार्जेबल आते हैं ना, उनके आप अलग से उनको रिचार्ज कर सकते हैं, तो वैसी बैटरीज आती है, तो वैसी ही लिथियम आयन बैटरीज हैं। जब ये डिस्चार्ज होंगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रोड मूव करेंगे, और जब चार्ज हो जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपको इलेक्ट्रोड मूव होते दिखेंगे। यहाँ जो मटेरियल यूज कर रहा है वो बेसिकली लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड कैथोड में यूज कर रहे हैं एंड लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं वो यूज होता है एंड लिथियम आयन फॉस्फेट यहाँ पे यूज होता है। नाम याद रखेंगे, लिथियम कोबाल्ट, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड एंड लिथियम आयन फॉस्फेट। गुड इनफ ने लिथियम बैटरी को डेवलप किया था विथ अ कैथोड ऑफ अ कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ। ली आयन बैटरी जो है वो यूज करती है आइदर ईथर, ईथर क्या है, अ क्लास ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ईथर को यूज कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs जिसको कहते हैं,
तो चाइना ने यहाँ पर लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जो कि डिजाइन किया गया है। फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि गैस को यूज कर रहा है, हीलियम को यूज कर रहा है, किसके लिए? फॉर कूलिंग, अनलाइक द कन्वेंशनल पावर प्लांट्स दैट यूजेस प्रेशराइज्ड वाटर। अब यहाँ पर जो SMR होता है, ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है। पावर जनरेशन कैपेसिटीज की कहाँ से कहाँ तक आती है? 30 MeV से 300+ MeV तक। ठीक है, MeV क्या है? यहाँ पर जो हम कहना चाहिए पावर जनरेट करते हैं उसको नापने की इकाई हम यहाँ पर MVE से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए कुछ कन्वेंशंस हुए हैं वो पता होना चाहिए। तो वियना कन्वेंशन में इसकी बात की थी, जहाँ पर सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1963 एक्ट आया। फिर कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपेंसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1997 में आया। पेरिस कन्वेंशन थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की बात करता है न्यूक्लियर एनर्जी में 1960 में आया। ज्वाइंट प्रोटोकॉल आया जहां पर वियना कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन को ज्वाइन किया गया 1988 में। देन उसके बाद ब्रुसेल्स का सप्लीमेंट्री कन्वेंशन आया, पेरिस कन्वेंशन 1963। वी हैव नेट जीरो गेन, NEG के नाम से इसको चर्चा में है। तो USS के साइंटिस्ट ने अचीव किया है नेट एनर्जी गेन फॉर द सेकेंड टाइम इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। देखिए, आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन जब भी होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, तो यहाँ पर नेट एनर्जी गेन को यहाँ पर अचीव किया है सेकेंड टाइम पे यूएस ने। अब नेट एनर्जी गेन की अगर हम बात करेंगे तो एक क्रिटिकल फिनोमिना है जब कमर्शियल फ्यूजन पावर होते हैं उस पर इम्प्लाइज होता है। ये बताता है कि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है वो जनरेट करती है मोर एनर्जी देन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कंज्यूमर्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम अलग अलग अगर न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं तो हमें कम एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर हम एक साथ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस करेंगे तो ये ज्यादा एनर्जी जनरेट करके देगा, यहाँ पर ये बताया गया है। इंडिया इसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER प्रोजेक्ट, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एनर्जी फ्रॉम द फ्यूजन रिएक्टर ज्यादा एनर्जी जनरेट करके दे रहा है। इंडिया भी इस तरह की चीज जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम रखा गया है आदित्य, और सेमी इंडिजीनियस स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोका मास्क, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो टोका मास्क का संबंध किससे अगर पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि नेट एनर्जी गेन से इसका संबंध है। ठीक है, इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस तरह से कोलैबोरेशन, अगर मैं बात करूं ग्रीन एनर्जी की तरफ, किसने किसने किया है? तो फ्रांस ने किया है, चाइना, EU, इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया, US, इन सब ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है। और इसको अभी लोकेट कहां पर किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोका मार्क है, इसको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है जो कि डिजाइन करी गई है टू टैप इनटू द पोटेंशियल ऑफ अ फ्यूजन एनर्जी, उसको हमको बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में था। फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजीनियस 700 MVE का काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसेंटली स्टार्ट कहाँ किया गया है? गुजरात में। और अगर मैं इसके बारे में बात करूंगी तो इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और किसने बनाया है? तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने इसको बनाया है। किसके अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी के अंतर्गत ये काम करता है। ये बिगेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप वेरियंट ऑफ अ प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। 2020 में इसने ये चीज अचीव करी, जहां पर पहली बार क्रिटिकली न्यूक्लियर रिएक्टर ने ऑपरेट किया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, चेन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है और नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल एंड अ हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट वी हैव कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, EV टू ग्रिड चार्जिंग, V2G जिसको बोलते हैं। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसने प्रपोज किया है बैटरी स्टैंडर्डाइजेशन टू बूस्ट EV टू ग्रिड चार्जिंग। देखिए, आपको पता है EV के हमारे यहाँ बहुत सारे व्हीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं फेम स्कीम के तहत, तो यहाँ पर उसी के लिए हमको क्या बनाना है? चार्जिंग स्टेशंस बनाने की बात करी गई है। अब यहाँ पर EV अलग तरह का एक हमको प्रोवाइड करता है सर्विसेज, जिसमें पावर सिस्टम होता है स्मार्ट चार्जिंग के थ्रू। स्मार्ट चार्जिंग में आपको बायो डायरेक्शनल चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है, जिसको हम V2G कहते हैं, जो कि रिवर्सिबल होती है। उसके बाद CEE जो होता है वो इस्टेब्लिश किया गया किसके अंतर्गत? तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है। और ये फंक्शन किसके अंतर्गत करता है? तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है 1948 एक्ट को। देन वी हैव अ फिजन मॉलिब्डेनम 99। मॉलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पर बनाई गई है? तो ट्रॉम्बे कैंपस में बनाई गई है।
भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर, उसको ट्रॉम्बे बोल, उसका एक कैंपस है, उसका नाम है ट्रॉम्बे, वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। ये किसका पेरेंट आइसोटोप है तो पता होना चाहिए, टेक्नीशियम 99M का पेरेंट आइसोटोप है मॉलिब्डेनम, ठीक है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, गामा एमिटेड आइसोटोप होता है, गामा रेडिएशन इससे बहुत ज़्यादा निकलती हैं। बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है और केमिकली इन कॉर्पोरेटेड होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिगेंड्स एंड प्रोटीन्स में, इससे यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिकल प्रोसीजर्स में इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जब हम उसका प्रोडक्शन जब कब स्टार्ट होता है, जब हम जो न्यूट्रॉन होता है उसका इरेडिएशन होता है फिजल यूरेनियम 235, नाम ध्यान रखना है यूरेनियम 235, उसमें हाई मात्रा में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। देन वी हैव अ डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल, एन अलॉय ऑफ अ कोबाल्ट एंड प्लैटिनम, ये ध्यान रखना है मिथेनॉल किस किस का अलॉय है, कोबाल्ट एंड प्लैटिनम का, डोप्ड विद द मैगनीज, हैज फाउंड टू बी इफेक्टिव कैटलिस्ट ऑफ डीएमएफसी। डीएमएफसी क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस दैट डायरेक्टली कन्वर्ट द लिक्विड मीथेनॉल केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिक्विड मीथेनॉल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये हाई एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करता है, हाई एफिशियंसी प्रोवाइड करता है, लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर काम करता है, इट सेफर ऑपरेट होता है डील विद द लिक्विड फ्यूल मीथेनॉल के साथ, ये पता होना चाहिए। इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर ये एक ऑल्टरनेटिव पावर सोर्स में स्मॉल व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, बैटरी चार्जर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल कैमराज में यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप्स एंड अदर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन हो जाता है ख़त्म, हमने इसका पार्ट ये वाला भी कम्प्लीट कर लिया है और इसके हार्डली 2 to 3 पार्ट्स और बचे हुए हैं जहाँ पर हमारा साइंस एंड टेक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पॉलिटी की तरफ मूव करने वाले हैं, पॉलिटी भी आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हमारे सारे PT 365 कम्प्लीट हो जाएंगे जिससे कि एग्जाम में आपको प्रिपरेशन करने के लिए और साथ ही साथ रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलने वाली है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।